हे गाइस जेसी है। तो एनिमे हिस्ट्री में ऐसे कई सीन्स हैं जहां मेन प्रोटैगनिस्ट किसी कारण से रेज मोड में चले जाते हैं। वे इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अगर वे चाहें तो पूरी वर्ल्ड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर खैर ऐसा वे करते नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने एनिमे हिस्ट्री में सबसे बेस्ट रेज मोमेंट दिए हैं। और इस वीडियो में मैंने किसी को भी रैंक नहीं किया है। एक बात और, इस वीडियो में आपको भर भर की स्पॉइलर मिलेगी। तो और ज्यादा पकाते नहीं हूं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गॉन वर्सेस पीतो। हंटर हंटर से ये फाइट एनिमे हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन में से एक है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी। सो बिफोर इस आइकॉनिक सीन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं नेन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो हम सब ओरा के बारे में जानते ही हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी जो दुनिया में सभी के पास है, और उस लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करने की एबिलिटी को ही नेन कहते हैं। वैसे तो 6 तरह के नेन यूजर्स होते हैं, लेकिन मैं बस एक के बारे में बताऊंगा, इनहेंसर, जो कि गॉन की नेन एबिलिटी है, और इसी एबिलिटी के कारण गॉन मैच्योर गॉन बन जाता है। ओके, अब आते हैं गॉन और पीतो के आइकॉनिक फाइट में। तो जब पीतो गॉन को बताती है कि काइट को अब बचाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि वो पहले से ही मर चुका है, ये न्यूज़ सुन के गॉन अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो काइट को अपने आइडल की तरह मानता था, और इस कारण से वो बहुत ज्यादा रेज और गुस्से में चला जाता है। वो इतना पावर समन कर लेता है कि वो पीतो को हरा सके, और ये पावर उसके आने वाली पूरे लाइफ की पावर थी। ये पावर इतनी ज्यादा थी कि उसकी बॉडी खुद को मैच्योर कर लेती है, फिर पीतो अपनी पावर खुद पर यूज करती है, ये प्रूफ करने के लिए कि गॉन उसके सामने कुछ नहीं है। बट यू नो, गॉन को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो पीतो के सर का भरता बना देता है, और आखिर में इस फाइट की एंड पीतो की डेथ से होती है। When mob used 100% power, वैसे तो मोब बहुत ज्यादा शांत और अच्छा लड़का है, तब तक जब वो अपने पावर्स का 100% यूज ना कर ले, तब आप उसके रियल डार्क साइड को देख सकते हो। मोब और उसके भाई के बीच एक इमोशनल बॉन्ड रहती है क्योंकि मोब के पास साइकिक एबिलिटीज रहती है पर उसके भाई के पास नहीं रहती, और इसलिए वो उसे बहुत प्यार करता था और उसे कभी हर्ट होते नहीं देख सकता था, जब तक कोयामा ने बेवकूफी वाली हरकत करके उसके भाई को परेशान नहीं किया, और ये करके उसने मोब के गुस्से को जगा दिया। तो जब मोब किसी से फाइट कर रहा होता है तब वहाँ मोब का भाई रित्सु भी आ जाता है, वो उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन कोयामा की साइकिक एबिलिटीज ज्यादा होने के कारण वो रित्सु पर अटैक करके उसे हर्ट कर देता है, और जैसा कि मैंने कहा था वो अपने भाई को कभी हर्ट होते नहीं देख सकता है, एंड द रिजल्ट मोब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो अपने पावर्स का 100% यूज करने लगता है। और फिर कोयामा को रियलाइज होता है कि उसकी साइकिक एबिलिटीज किसी काम की नहीं है, तब जब मोब अपने पावर्स का 100% पहुंच जाता है, और तब उसे रोकना इम्पॉसिबल है। What? How can it have no effect this time? गोकूज फर्स्ट सुपर सियान। गोकू की आई पहली सुपर सियान मोड पूरे एनिमे फ्रेंचाइज की सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है, जो कि फिर से ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया था, लेकिन उसमें गोकू अपने पावर लेवल को बढ़ा लेता है। सो फ्रीजा सागा में जब गोकू और बाकी सब प्लैनेट नमेक में फ्रीजा से फाइट कर रहे थे, तो गोकू उस लंबी फाइट के बाद थोड़ा थक जाता है, तो उसी मौके का फायदा उठाने के लिए फ्रीजा डेथ बीम का यूज गोकू पे करता है, पर पिकलो वहां आके गोकू की जान बचा लेता है, लेकिन इस कारण से वो खुद घायल हो जाता है। फिर 22वें एपिसोड के लास्ट में फ्रीजा गोकू के बेस्ट फ्रेंड क्रिलिन को मार देता है उसकी बॉडी हवा में एक्सप्लोड करके। अपने फ्रेंड की मौत देख के गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज को इतने सालों बाद लेजेंडरी सुपर सैयन बनता है, और आखिर में वो फ्रीजा को हरा देता है। नारुतो अगेंस्ट पेन। तो जब हिनाता नारुतो से लव कन्फेस करने के बाद उसे बचाने जाती है तो वो खुद ही घायल हो जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ हिनाता के पास वही समय था लव कन्फेस करने के लिए, बट हे, हु केयर्स, हमें एक अच्छा सीन तो मिल गया ना। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो जब हिनाता पेन के हमले से नारुतो को बचाने की कोशिश करती है तो इस कारण से वो खुद घायल हो जाती है क्योंकि पेन उसी को ही मार देता है, एंड बिलीव मी, नारुतो ये देखने के बाद अपनी सब काइंडनेस छोड़ के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो इतने गुस्से से भर जाता है कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और ना ही अपने अंदर के छुपे डीमन फॉक्स पर। सोरेबेई,
नारुतो पूरी तरह से रेज मोड में चला जाता है और अपने आप को सिक्स टेल फॉक्स में बदल लेता है। फिर नारुतो और पेन में मस्त वाली फाइट चलती है, पर यह फाइट यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि नारुतो और रेज में आके एट टेल फॉक्स में बदल जाता है। पेन एक जायंट मून बना के उसमें उसे पकड़ने की कोशिश करता है, एंड वी ऑल नो ऐसा नहीं हो पाता है। शायद पेन को उस समय नारुतो से डर नहीं लगता था। लीवाई वर्सेस बीच टाइटन। तो जब आप लीवाई का नाम सुनते हो, आपको ये पहले से पता होता है कि वो बहुत खतरनाक और बैडएस बनता है, और एक चीज जो उसके अपोनेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है उसे गुस्सा दिलाना। लीवाई और बीच टाइटन के बीच हुई इस एपिक फाइट का एक ही कारण था जो कि उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो रेज और गुस्से से पागल हो गया, वो था बीच टाइटन के हाथों अरविन स्मिथ का मरना। तो अरविन स्मिथ था कौन जिसके कारण लीवाई बीच टाइटन को पागलों की तरह मारने लगा? अरविन लीवाई का सबसे अच्छा दोस्त था और दोनों एक दूसरे पर बहुत ट्रस्ट करते थे और रिस्पेक्ट भी। अरविन की मौत से लीवाई पर एक भारी सदमा लगता है और जब वो बीच टाइटन का सामना करता है तो वो उसके गर्दन और पूरे हाथों को काटना शुरू कर देता है। ये देख के बीच टाइटन भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। इस फाइट और लीवाई के इमोशंस को बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाया गया है जिसमें आप उसके दुख और गुस्से को आसानी से फील कर सकते हो। म्योज डेथ दोरोरो। याकिमारो शायद देख नहीं पाता हो और शायद सुन भी नहीं पाता हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास कोई इमोशंस नहीं है। अगर सच कहूँ तो ये सीन एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट है। मियो जो कि बहुत काइंड हार्टेड थी, अपने ऑर्फेन को चलाने के लिए काफी मेहनत करती थी ताकि वो उन पैसों से ऑर्फेन के बच्चों को अच्छे से केयर कर सके। पर एक दिन ऑर्फेन में कुछ सोल्जर्स आके मियो और बच्चों को मार देते हैं। फिर जब दोरोरो और याकिमारो ऑर्फेन आते हैं और मियो को उन सोल्जर्स के हाथों मरा देखते हैं तो याकिमारो ये देख के अपने रेज को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हर एक सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। ये मियो के प्रति प्यार ही था जिसे उसे इतना रेज में ले गया। उसके अंदर गुस्सा आ गया और उसने हमें दिखाया कि उसके पास गुस्सा और इमोशन भी है। इसे ही जगरनॉट ड्राइव। सियोरी इसे के पास सबसे पावरफुल वेपन है जिसे खुद गॉड ने बनाया, लेकिन वो तब तक डेंजरस नहीं कहलाएगा जब तक उसके सामने कोई बेवकूफी वाली हरकत ना करे या कोई पंगा ना ले। सो इसे की लवर एशिया के मरने के बाद वो खतरनाक वाला गुस्से में आ जाता है और बूस्टर गियर लिमिट को हटा देता है जिससे वो अपने सीक्रेट गियर जगरनॉट ड्राइव को एक्टिवेट करता है। वो इससे बहुत ज्यादा पावर गेन करने लगता है पर साथ ही अपने लाइफ को भी खोने लगता है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इतने गुस्से में रहता है कि सिल्वा के हाथों को आसानी से उखाड़ देता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसकी रेज और जगरनॉट ड्राइव ने इसे को इतना पावर दिया कि वो सिल्वा को आसानी से हरा सके। इकोमा ट्रांसफॉर्म इनटू कैबिनरी। तो इसकी टीवी एनिमे सीरीज में इकोमा और मूमी के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का समय ही नहीं लिया गया। सीरीज में दोनों के बीच सही से रिश्ता दिखाया ही नहीं गया, पर मूवी में उनके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए टाइम लिया गया और अच्छे से भी दिखाया गया। एंड ऑफ कोर्स हर ऐसी रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही है और इसमें भी वही हुआ। तो जब इकोमा को पता चलता है कि मूमी विलन्स के हाथों पकड़ी गई है तो वो उसे छुड़ाने जाता है, और जब वो उसे बचाने जाता है तब इकोमा को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी कैबिनरी का सामना करना पड़ता है जिसमें वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है। लेकिन मूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो गुस्से से भर जाता है, इतना कि वो अपने आप को एक बहुत पावरफुल कैबिनरी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये सीन उसकी सारी ग्लोरी के साथ इकोमा की छुपी क्षमता को दिखाने में कामयाब रहती है। लीज डेथ सेवन डेडली सीन्स। वेल अब मेलोडिस की बात आई है तो हम ये जानते हैं कि वो कितना पावरफुल है और उसका रेज कितना ग्रेट होगा। सो जब मेलोडिस के सामने लीज को मार दिया जाता है तो वो उसके डेथ को सह नहीं पाता और रेज में चला जाता है। वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल खो देता है और डानाफोर के शहर को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। आई थिंक मेलियोडस को इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो उसे प्यार करता था और उनके बीच काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बन गई थी। मेलियोडस को लीज के साथ बिताई सभी यादें और उसकी मौत उसे रेज से भर देती है, बट ऑल्सो सीइंग हर डाई इन फ्रंट ऑफ हिम उसे लगा वो उसे बचा सकता है और इसलिए वो और भी गुस्से से पागल हो जाता है। लूफी एंगर ऑन डॉल्फ फ्लेमिंगो।
आप में से कई लोग ऑलरेडी लूफी को एक्सपेक्ट किए ही होंगे। सो हियर इट इज उनकी दी रूही। सो जब आप लूफी को इतना परेशान करते हो और इस पॉइंट तक ले आते हो जहां वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस करता है वो भी गुस्से के साथ, तब आप समझ जाओ कि आप खतरे में हो। खैर जब लूफी बेलमे के सर पे पंच मार के उसे बेहोश कर देता है तो आमतौर पर हम इसे सीन्स देख के काफी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं, पर ये सीन काफी हार्ट ब्रेकिंग था। डॉफ्लेमिंगो के धोखा देने के बाद बेलमी हेल्पलेस हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसे लूफी से लड़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लूफी जानता था कि वो उसे फ्री नहीं कर सकता है तो उसने उसे एक कस के पंच मारा जिससे वो बेहोश हो जाता है। उस टाइम लूफी डॉफ्लेमिंगो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से उसका नाम लेता है। ये पूरी सीन वन पीस की मोस्ट एपिक मोमेंट्स में से एक है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी बन गई जो कि मैं चाहता नहीं था पर बन गई, और वो बात मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने किसी को रैंक करके नहीं बताया है क्योंकि ये सभी मूवमेंट्स NMHD के बेस्ट मूवमेंट्स हैं, तो रैंक करके कोई मतलब ही नहीं बनता। सो आई होप मेरी ये मेहनत और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक भी कर दे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।